स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान की आजादी का जिक्र किया था, जिसके बाद से ही पीएम मोदी को बलूच नेताओं और लोगों का धन्यवाद मिल रहा है। इस रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी को बलूचिस्तान की बहनों ने भी संदेश भेजे हैं। ऐसा ही एक संदेश प्रधानमंत्री मोदी के नाम आया है बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच का, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। करीमा ने प्रधानमंत्री मोदी को रक्षाबंधन की बधाई देने के साथ साथ बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने के लिए उन्हें शुक्रिया कहा है। बलोच ने अपने संदेश में कहा है कि हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे, हम चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ बन जाएं और दुनिया भर में हमारी आवाज़ पहुंचाएं। करीमा ने अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन के दिन बलूचिस्तान की एक बहन भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मैं करीमा बलोच हूँ और बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में कितने ही भाई लापता हैं, कई भाई पाक सेना के हाथों मारे गए हैं। बहनें आज भी लापता भाइयों की राह तक रही हैं। शायद वो सारे भाई लौट कर ना आए और बहनों का इंतजार कभी खत्म ना हो। आपको बलूचिस्तान की बहनें भाई मानती हैं। आप बलोच नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवाधिकार हनन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलोचों और बहनों की आवाज बने। तो पीएम मोदी के संदेश के बाद बलूचिस्तान के लोगों में एक उम्मीद जगी है। वहां के लोग लगातार धन्यवाद संदेश भेज रहे हैं। पिछले दिनों बलूच नेता ब्रामू बाग बुक्ती ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए आशा जताई थी कि जल्द ही भारत और बलूचिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस साथ मनाएंगे। हालांकि पाकिस्तान पीएम मोदी के बयान से बौखलाया हुआ है। देखते रहिए जीबी लाइव।